Today we will start a new lesson and the name of our new lesson is a sensor gun. Girls, आज हम अपना new lesson start करेंगे. आज हम कौन सा lesson start कर रहे हैं? Third वाला. हमने first और second two lesson अपने complete कर लिए हैं और हमारा जो third lesson है इसका नाम है a sensor gun. So we talk about a sensor guns. But first we talk about our previous lesson. The parts of our body. लेकिन उसके पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? हमने इसके पहले अपना second lesson जो complete किया था, वो क्या था हमारा? Parts of our body. In this lesson, we taught about external organs. उसके बारे में उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था अपने? External organs के बारे में. Our head, eyes, ears, nose and skin are called our external organs. ऐसे ऑर्गन जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स. और आज हम पढ़ रहे हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में. अब आपको लग रहा होगा कि मैडम जब सेंस ऑर्गन पढ़ा रही है तो ये मुझे एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में क्यों बता रही है. मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स जस्ट लाइक आवर आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन आर नॉट ओनली आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स बट दे आर ऑल्सो और सेंस ऑर्गन्स. इसके अलावा ये क्या है हमारे सेंस ऑर्गन भी हैं. ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन तो है ही उसके साथ में और क्या है हमारे सेंस ऑर्गन. अब हमने इसको सेंस ऑर्गन क्यों कहा? तो ऐसे सभी ऑर्गन जो हमको कोई सेंस देते हैं कोई चीज बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं हमारा सेंस ऑर्गन. सो द डेफिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन इज ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू know the world around us are called sense organs. ऐसे सभी organs जो हमको हमारे चारों ओर जितनी भी things हैं उनके बारे में हमको कोई जानकारी देते हैं कोई sense देते हैं understanding देते हैं उनको क्या कहते हैं हम अपने sense organs. तो so we have five sense organs. हमारे पास कितने sense organs होते हैं? Five. कौन कौन से? एक तरफ मैंने यहाँ दिखा है organs और दूसरी तरफ लिखा है सेंस. मतलब ये हमको कौन सा सेंस देते हैं. तो हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन है आई और आई गिव अस द सेंस ऑफ साइट. हमारी जो आईज होती है ये हमको कौन सा सेंस देती है? साइट मतलब चीजों को देखने का जो सेंस है वो कौन देती है? हमारी आईज. जैसे आप क्या करते हो? यू रीड बुक. आप बुक पढ़ते हो. यू वॉच योर फेवरेट कार्टून नेटवर्क. आप क्या देखते हो? अपना फेवरेट कार्टून नेटवर्क देखते हो. तो ये सब चीजें आप किसकी हेल्प से कर देख पाते हो? अपनी आईज की हेल्प से. यदि आपकी आईज नहीं होती तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देख पाते क्या? नहीं देख पाते हम. एंड आवर सेकंड सेंस ऑर्गन इज ईयर्स. दूसरा सेकंड जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है? ईयर्स. एंड आवर ईयर्स गिव अस द सेंस ऑफ हियर. जो हमारा हमारे ईयर्स होते हैं ये क्या सेंस देते हैं हमको? किसी भी चीज को सुनने का. आप अलग अलग तरह की आवाजें सुनते हो. कभी आपकी मदर की, कभी फादर की, कभी अपनी ग्रैंड माँ की, तो कभी ट्रैफिक की सुनते हो ना, कभी कभी डोर बेल की. तो इस तरीके से अलग अलग आवाजें आती है और इन सभी चीजों को सभी आवाजों को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये आवाज किस चीज की आ रही है. पापा की गाड़ी की आवाज आ रही है या डोर बेल की आवाज आ रही है या मम्मी की आवाज है या फिर ये आपकी ग्रैंड मदर की आवाज है. आप इन सभी आवाजों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हो किसकी हेल्प से? अपने ईयर्स की हेल्प से. एंड आवर थर्ड सेंस ऑर्गन इज आवर नोज. हमारी जो नोज है वो भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है. एंड इट गिव अस सेंस ऑफ स्मेल. ये हमको किस चीज का सेंस देती है? स्मेल का. स्मेल मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. मम्मी समोसे बने आंटी ने ना समोसे बनाए, आप भी बनाओ ना. आप बोलते हो ना ऐसा अपनी मम्मी से. तो ये सेंस कहाँ से आया? आपकी नोज ने दिया आपको ये सेंस. फोर्थ सेंस ऑर्गन इज आवर टंग. जो हमारी टंग होती है वो भी एक सेंस ऑर्गन है क्योंकि ये हमको क्या सेंस देती है? टेस्ट का. आप कौन सी चीज खा रहे हो वो खट्टी है या मीठी है, बीटर है, सोर है, स्वीट है या फिर साल्टी. ये चारों ही टेस्ट आपको किससे पता चलते हैं? अपनी टंग से. तो हुई ना टंग हमारी सेंस ऑर्गन. एंड आवर फिफ्थ सेंस ऑर्गन इज आवर स्किन. जो हमारी स्किन है वो हमारा फिफ्थ सेंस ऑर्गन है. इट गिव अस अ सेंस ऑफ टच. ये हमको किस चीज का सेंस देती है? टच करने का.
कोई चीज को आप टच करते हो तो बोलते बहुत गर्म है मम्मी इसको, और आप उसको हटा देते हो। तो कोई चीज जो होती है बर्फ, जैसे ही आप आइस को हाथ में लेते हो तो क्या आप करते हो, उसको तुरंत फेंक देते हो, बहुत ठंडा है मैं ऐसे नहीं उठा पाऊंगी। तो इस तरीके का सेंस कौन देता है, हमारी स्किन। सो गर्ल्स, अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और वो क्या सेंस देते हैं इस बारे में बताया। अब एक और चीज बताने वाली हूं मैं कि ये जो सभी सेंस ऑर्गन है ना हमारे 5, ये अपना काम अकेले नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको हेल्प लगती है ना आपकी मम्मी की होमवर्क करने में, किसी चीज को समझने में टीचर की, डांस करना है तो आपको डांस टीचर की हेल्प लगती है, और ड्राइंग बनाने के लिए शिखा मैम की हेल्प लगती है ना, वैसे ही जो हमारे सेंस ऑर्गन है इसको भी एक ऑर्गन की हेल्प लगती है, और वो इन सभी सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करके रखता है। वो सेंस ऑर्गन, वो ऑर्गन क्या है, हमारा ब्रेन। वो ऑर्गन क्या है, ब्रेन है, जो इन सभी सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। अब ये ब्रेन कहाँ होता है, मैम ने तो हमको पढ़ाया ही नहीं इसके बारे में, इसके पहले जो हमने लेसन पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी उसमें भी नहीं था ब्रेन का, लेकिन आप भूल गए हमने उसके में किसके बारे में पढ़ा था, हेड के बारे में पढ़ा था ना। हेड कहाँ होता है, हमारे सबसे ऊपर, एंड ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे हेड के अंदर होता है। तो अब आया ना समझ में कि आपका जो ब्रेन है वो कहाँ होता है, एंड आवर ब्रेन कंट्रोल दिस ऑल सेंस ऑर्गन। जो हमारा ब्रेन होता है वो इन सभी सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, आईज के बारे में। और आईज वर्क लाइक वीडियो कैमरा, हमारी जो आईज होती है वो किसकी तरह काम करती है, वीडियो कैमरा की तरह। दे रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स दैट वी सी, हम जितनी भी चीजों को देखते हैं वो उन सबको रिकॉर्ड कर लेती है, एंड देन सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। उसके बाद में क्या करती है, ब्रेन को मैसेज करती है, ब्रेन रीड द मैसेज एंड टेल अस अबाउट द थिंग। उसके बाद में ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को पढ़ता है और हमको बताता है कि ये जो चीज आपने देखी है वो क्या है। आप ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो या फिर कार्टून नेटवर्क देख रहे हो, गार्डन में हो, जो चीज आप देख रहे हो वो आपके बिल्कुल पास में है या फिर दूर है। स्टार्ट गर्ल्स, सम पीपल आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली। गर्ल्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चीजों को क्लियर नहीं देख पाते हैं, मतलब उनको चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। सो दे वेयर स्पेक्टिकल्स टू, जो इसलिए वो क्या करते हैं, स्पेक्टिकल पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, और चश्मे की मदद से क्या होता है, वो चीजों को क्लियर देख पाते हैं। आपकी कुछ फ्रेंड्स भी ऐसी हैं जिनको कि चश्मा लगता है, और आपके घर में भी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि चश्मा लगाते हैं सब। और दूसरी बात क्या है, आप जो आप लोग सभी रंगों को अलग अलग से पहचान पाते हैं, ग्रीन कलर हो, रेड है, ब्लू है, जितने भी कलर होते हैं उनको हम अच्छे से पहचान पाते हैं। बट सम पीपल आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट कलर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग रंगों को ढंग से पहचान नहीं पाते, स्पेशली रेड कलर, ब्लू कलर या ग्रीन कलर, इन रंगों को अलग अलग से पहचान नहीं पाते हैं, और हम उन लोगों का कहते हैं दे आर कॉल्ड कलर ब्लाइंड। उनको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड। ऐसे लोग जो कि रंगों को पहचान नहीं पाते हैं उनको हम कहते हैं कलर ब्लाइंड। वो अंधे नहीं है, ब्लाइंड नहीं है वो, लेकिन कैसे है, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड इसलिए बोला क्योंकि वो रंगों को पहचान नहीं पाते। अब दूसरी बात, एक और मैं आपसे पूछती हूँ, आर यू एबल टू रीड द थिंग्स दैट कैन, आप चीजों को पढ़ पाओगे जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, पढ़ सकते हो। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो अपने जो राइट आई है उसको ऐसे क्या करो, छुपा लो, और फिर उसको पढ़ के देखो क्या आप पढ़ पा रहे हो। अब थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, राइट आई को खोल लेंगे और अब हम अपनी सिर्फ लेफ्ट आई से पढ़ लेंगे, क्या आप पढ़ पा रहे हो। यदि आप अपनी दोनों आंखों से, केवल एक आंख से भी पढ़ पा रहे हो तब तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी एक आई से ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। स्कूल में भी यदि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने टीचर को बताना चाहिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सके, और क्या करें, आपको किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आई स्पेशलिस्ट आपको देखेगा, एग्जामिन करेगा और फिर आपको कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट देगा। सो गर्ल्स, बाय।